जॉब में लंबे समय से प्रमोशन नहीं हो रहा है या कार्यस्थल पे बहुत तकलीफ हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कई बार लोग नौकरी छोड़ देते हैं, एक से एक बार चेंज करते हैं, तो वो बहुत परेशान रहता है। उसके लिए व्यक्ति को विशेष तौर पर सिर्फ जॉब के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जॉब में प्रॉब्लम के खैर कुंडली के हिसाब से योग होते हैं, वो तो कुंडली दिखवा के उपचार करना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन सूर्यदेव को उपासना करना जॉब में आने वाली सभी समस्याओं को ठीक कर देता है। तो इसमें आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, सूर्यदेव को अर्घ दे देना, ठीक है? तो अर्घ देना मतलब सुबह में जल देना। बिल्कुल, सूर्यदेव को जितना बलि बनाइएगा कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा उतना। इसे कोई आसान सा टिप्स बताइए ना, आदि दिनचर्या में ही फॉलो करके सूर्य भगवान को कोशिश करना चाहिए कि सूर्योदय के समय जो है, सूर्योदय से एक आधा घंटा एक घंटा के अंदर में उनको अर्घ दे देना, और साथ में आदित्य हृदय स्त्रोत का, गायत्री मंत्र का, कोई एक सूर्यदेव का मंत्र ले लीजिए, उसका डेली नियमित रूप से अगर करते हैं तो सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा। तो आपको जितने भी आपके अधिकारी हैं, सीनियर हैं, वो लोग मान सम्मान देने लगेंगे। आपको कहीं मान सम्मान में कमी दिखे ना, तो मान लीजिए कि आपका सूर्य गड़बड़ है, तो जो आपको स्टेटस चाहिए, मान सम्मान चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वो सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो सूर्य देव को मजबूत बनाइए, और अगर कुंडली में देखना है तो फिर आप अपने दशम भाव को जो है, प्रसिद्धि का होता है, उस पर ध्यान दीजिए। उसके ग्रह के जो स्वामी है, दशमेश जो है, उनके ग्रह को अगर आप सही कर लेते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में जो समस्या भी आता है जब दशम भाव में विपरीत ग्रह हो जाए, जैसे शनि आ जाए अशुभ होकर के तो मान सम्मान में कमी देते हैं, राहु आ जाए तो वहां पर डिप्लोमेटिकल गेम चलता है, अनावश्यक कोई ना कोई परेशान करेगा। इसके साथ साथ मतलब मंगल आ जाए तो देखा जाता है, कई बार लोग कहते हैं हम ऑफिस के पॉलिटिक्स से बहुत मतलब निराश है, कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोल तो रहे कि अगर आपके, देखिए हर चीज व्यक्ति विशेष के लिए कोई सामान्य नियम काम नहीं करता है, उसके कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि सूर्यदेव को आप बलि दे दीजिए, बलि कर दीजिए, ठीक है? और कुंडली जिसके पास है वो अपने दशम भाव को बलि कर ले तो कार्य क्षेत्र का समस्या जो है दूर हो जाएगा।